नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नानौंद के जींद रोड पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जस्सी पेटवाड़ पहुंचे और उन्होंने युवाओं के साथ एक बैठक की। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर था। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यात्रा को लोगों का भारी जनसमर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21 और 22 दिसंबर को प्रवेश करेगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो, इसको लेकर नानौंद के जींद रोड पर यह बैठक की गई थी। उन्होंने कहा कि हल्के से यात्रा में भाग लेने के लिए युवाओं में जोश है और हजारों की संख्या में युवा यात्रा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसमर्थन इस यात्रा को हरियाणा में देखने को मिलेगा और उन्हीं की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नानौंद से हमारे संवाददाता दीपक गद्धर की रिपोर्ट। एक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कश्मीर तक जाएगी कन्याकुमारी से, और उस यात्रा को बहुत ही जबरदस्त लोगों का अपार जनसमर्थन और प्यार मिल रहा है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लोग हर दिन कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उसी यात्रा के मद्देनजर रखते हुए वो यात्रा 21 और 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेगी और राजस्थान जाएगी। तो उन दो दिनों की तैयारी के लिए हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा राहुल गांधी जी का और जितने भारत यात्री साथ हैं उन सब का जबरदस्त स्वागत और समर्थन करने का काम करेंगे। सभी हरियाणा के लाखों लोग वहाँ दो दिन राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे। उसके बाद वो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी और राजस्थान से फिर 10 दिन के लिए वो यात्रा वापस हरियाणा में आएगी। तो जो राहुल गांधी जी को पूरे देश में जो अपार जन समर्थन मिला है उससे कई गुना जन समर्थन मैं कहता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद और समर्थन राहुल गांधी जी को हरियाणा में मिलेगा। उसी के तहत हम सब साथी इकट्ठा हुए थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश के ऊपर हमने उस यात्रा की तैयारियों के लिए सभी साथियों ने आज अपनी एक बैठक की थी कि भी यात्रा में किस तरीके से नारायण से हजारों की संख्या में साथी वहाँ पहुँचे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।